तो दोस्तों ये मेरी इन्वर्टर की बैटरी है और देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर बैटरी का यहाँ पे टर्मिनल टूट गया है। जिस तरीके से ये टर्मिनल यहाँ पे होता है जिसमें हम लोग इसको एक इन्वर्टर के वायर को लगा देते हैं और इसको कस देते हैं नट बोल्ट की मदद से, तो ये टाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब है ही नहीं तो फिर कैसे लगाएंगे कैसे? इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि ये जो एक 10 रुपये की रिंग आती है जिसको जनरली हम लोग पानी की जो मोटर होती है उसको पाइप को कसने के लिए लगाते हैं, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा के और दूसरा जो टर्मिनल है आपके बैटरी का उसको इसके अंदर लगा के आप लोग इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और बहुत लगभग ये 10 रुपये का मैं लेके आया हूँ और इसके साथ में ही आप लोगों को एक ये सैंड पेपर लाना पड़ेगा जिससे हम लोग इसको टर्मिनल को अच्छे से क्या कर दें, घिस दें। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये सिल्वर कलर हुआ है इसको मैंने इस तरीके से घिसा है ताकि ये पूरा साफ हो जाए और कनेक्शन जो है अच्छा बना रहे। और ये जो इसका टर्मिनल है इस टर्मिनल को भी मैंने बहुत अच्छे से घिस दिया है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। मैं आपको इसका डेमो भी दूंगा कि किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया है और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल को मैं यहाँ पे अंदर डाल दूँ और उसके बाद इनको यहाँ से मुझे कसना रहेगा, तो कसने के बाद ये कनेक्शन टाइट हो जाएगा और आप लोगों का काम जो है वो बना रहेगा, इन्वर्टर जो है चार्ज होता रहेगा और पावर सप्लाई रेगुलेटेड। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के टूटा हुआ टर्मिनल यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, जो यहाँ पे अब कनेक्शन मैंने प्रॉपर कर दिए हैं दोनों। और इसके बाद में ये जो इन्वर्टर है देखिए इसमें यहाँ पे मेंस की लाइट भी ऑन है, UPS की लाइट ऑन है, मेंस अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे इसका कनेक्शन करना बाकी है। ये देखिए पिन यहीं पे है और पूरा ये चलेगा भी अच्छा। बस यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं आप लोग कि इस पे या तो आप लोग ग्रीस ला के लगा दीजिए या फिर यहाँ पे वैसलिन हो तो थोड़ा सा लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोजन होता है वो कोरोजन उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है जो मैंने अभी रिपेयर किया है और आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर भी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी और ये चार्जिंग हो रही है, बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।